रेडियो हांजी 1674 AM में स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन में सजी वेलकम 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 मेरी यानी कि चानी जैन की तरफ से आप सभी का स्वागत है और मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्ते आदाब वालेकुम अस्सलाम और हेलो हाय सभी दोस्तों को। तो इसी प्यार भरी सत श्री अकाल के साथ नमस्ते के साथ आपका तो मैं तहे दिल से स्वागत कर ही रही हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भाई आखिर करने के आई हूँ इस टाइम पे, तो जी बिल्कुल सोचने वाली बात भी है क्योंकि जी मुझे ना जैसे वक्त मिलता है मैं आ जाती हूँ यहाँ पे और बस शुरू हो जाती हूँ अपनी बातों का पटारा लेकर। तो फ्रेंड्स मैं लेकर आई हूँ आप सभी के बीच, यानी टॉपिक तो कुछ भी नहीं है, टॉपिक क्या है क्या नहीं वो तो यही सोचना है क्योंकि जी मुझे बस मौका चाहिए होता है बात करने का। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि 2018 का हम वेलकम कर रहे हैं और बहुत सारी तैयारियां भी जो है वो शुरू हो चुकी है ना। सबके घरों में इनविटेशंस शुरू हो चुके हैं, भाई 31 को हमारे घर पे बनाइएगा, है ना, ऐसे वैसे। तो मैं तो भाई ये इंतजार करती हूँ कौन मुझे भी बुलाए, लेकिन खैर किस्मत ऐसी है कोई बुलाता ही नहीं है। तो 2018 की तो हम स्वागत जो है वो अच्छा सा करेंगे, वेलकम करेंगे और जी हम 2017 को भी नहीं भूलेंगे क्योंकि जब विदाई होती है किसी की तो हम फेयरवेल देते ही है ना। तो दोस्तों हम 2017 को फेयरवेल देंगे यानी कि उसकी कुछ ना कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके आपके आगे रख देंगे। यानी क्या कुछ हुआ 2017 में, अब भाई हम उस वक्त मज़े तो ले लेते हैं लेकिन उस मज़े को इकट्ठे करके बाद में सुनने का भी मज़ा आता है ना। तो आज मैं लेकर आई हूँ कौन सा मसाला, यानी आज लेकर आए हैं मूवी मसाला। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवीज ऑफ 2017। सो आपने क्या करना है, बस जुड़े रहना है क्योंकि जी बिना मसाले लगाए किसी भी बात का मजा नहीं आता, चाहे वो कोई टॉपिक हो चाहे वो फिर मूवी हो। बात कर रहे हैं मूवी मसालों की और 2017 में कौन कौन सी ऐसी मूवीज है जिन्होंने ज्यादा कमाई की है। तो दोस्तों हम कम से शुरू करते हैं, तो कम में जिसका नंबर आता है वो है सबसे पहले बादशाह। जी हाँ, अजय देवगन की ये मूवी है दोस्तों और अजय देवगन स्टारर फिल्म साल में जो 2017 के ईयर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो 10वीं फिल्म है वो बड़े बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती दौर में ही दोस्तों कलेक्शन का जो है अच्छा आंकड़ा दर्ज करवाया। लेकिन बाद की बात करें तो बाद में फिल्म की कमाई में गिरावट भी देखी गई। 80 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों हिट होने से थोड़ी चूक गई। जी हाँ, फिल्म की देश भर में कमाई इसकी जो थी वो थी 78 करोड़ रुपीस ही दर्ज हुई, लेकिन इस पूरी मूवी में 80 करोड़ रुपए का बजट जो है लगा था लेकिन सिर्फ ये 78 करोड़ रुपीस ही कमा पाई। जी हाँ, तो ये बात कर रहे हैं हम बादशाहों की। उसके बाद थोड़ी ज्यादा कमाई करने वाली कौन सी मूवी है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी। आलिया भट्ट और वरुण धवन की ये मूवी है दोस्तों और आप मानेंगे नहीं, ये इस मूवी ने बहुत कम बजट लगाया लेकिन ये बहुत ज्यादा लकी रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कमाई भी की है। जी हाँ, आलिया भट्ट और वरुण धवन की ये फिल्म थी जिसका नाम था बद्रीनाथ की दुल्हनिया। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरी मूवी थी वो लड़कियों की सोच बदलने पर बनी हुई थी, यानी कि क्या लड़की किस तरह सोच अपनी बदल सकती है, और जिसे पूरे दर्शकों ने काफी पसंद किया है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ये हिट भी साबित हुई है। करीब 47 करोड़ रुपीज इसका पूरी मूवी का जो बजट था वो 47 करोड़ रुपीस था, लेकिन फिल्म ने देश भर में दोस्तों 116.60 करोड़ रुपीस की कमाई की है। तो जी तालियां तो बनती है बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी की। तो ये आप सभी ने मूवी जरूर देखी होगी, काफी हिट मूवी, सबको बहुत मजा आया था ये मूवी देख के। रेडियो हांजी 1674 AM में आप सभी जुड़े हुए हैं मसाला, यानी कौन सा मसाला, मूवी मसाले में जानी जान के साथ। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कौन सी मूवी जो है जी सबसे ज्यादा हिट रही है, यानी कम 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 कम, यानी कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा 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 ज्यादा। जी हाँ, ऐसे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे कम की बात की हमने वो थी बादशाह, उससे ज्यादा थोड़ी जिसने ज्यादा अच्छी कमाई की है वो थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया। अब बारी आती है जी जॉली LLB 2। जी हाँ, जो कि अक्षय कुमार की बॉलीवुड मूवी। जी तो दोस्तों
अक्षय कुमार बॉलीवुड के ऐसे स्टार बन चुके हैं जो कि लगातार हिट पर हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस साल दोस्तों अक्षय की दो फिल्में रिलीज हुई, एक तो जॉली एलएलबी और साथ ही टॉयलेट एक प्रेम कथा। दोनों ही फिल्म जो है उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी है। जी हाँ, यानी कि दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती नजर आई। ये फिल्म ना सिर्फ दोस्तों दर्शकों का दिल जीता बल्कि इन्होंने क्रिटिक्स के रेटिंग पैमान पर की बात करें तो उसमें भी ये फिल्म खरी उतरी है। तो अक्षय की इस फिल्म ने देश भर में 117 करोड़ की कमाई की है। तो और ऐसी कौन सी मूवी है जिन्होंने ज्यादा कमाई की है? तो दोस्तों अब बारी आती है ट्यूबलाइट की। जी हाँ, ट्यूबलाइट फिल्म को दोस्तों सलमान खान की सबसे खराब फिल्म कहा जा सकता है। फिल्म को ना ही क्रिटिक्स ने सराहा है और ना ही दर्शकों ने दोस्तों, क्योंकि फिल्म ने सलमान खान के फैंस को बेहद ही नाराज किया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर देश भर में 121 करोड़ की कमाई की। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों काबिल मूवी की तो बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन और यामी गौतम की केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 126 करोड़ रुपए की कमाई की है। काबिल ने सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट को बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम कलेक्शन की रेस में पछाड़ ही दिया है। और दोस्तों वेबसाइट koimoi.com के मुताबिक फिल्म ने 121 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जी हाँ, मूवी मसाला चानी चैन के साथ जहाँ पे हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जो 2017 में हिट साबित हुई है और जिसने ज्यादा कमाई की है। तो दोस्तों अब बारी आती है टॉयलेट एक प्रेम कथा की। अक्षय कुमार की इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया कि छोटे बजट की फिल्में जो है वो भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुनाफा कमाने का मादा रखती है। जी हाँ, फिल्म का दोस्तों बजट जो है लगभग 18 करोड़ बताया गया और फिल्म ने दो दिन की कमाई में ही अपने बजट की भरपाई कर ली थी। फिल्म ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में ही 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया था और फिल्म ने अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो देश भर में बॉक्स ऑफिस पर 134 करोड़ रुपए की कमाई की। जी हाँ, वहीं बात करें मूवी रईस की तो इस साल शाहरुख की फिल्म रईस जब हैरी मेट सेजल रिलीज हुई, यानी ये दो मूवी रिलीज हुई और जब हैरी मेट सेजल को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला लेकिन रईस की बात करें तो जरूर दर्शकों का दिल जीतने में ये फिल्म जो है कामयाब रही। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने 137 यानी 137 करोड़ की कमाई दर्ज करवाई और शाहरुख की ये फिल्म जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस मायरा खान के कारण काफी विवादों में भी रही और फिल्म में मायरा खान शाहरुख खान की पत्नी के किरदार में नजर आई थी। तो ये बात की हमने मूवी रईस की। तो जी 2017 में कौन कौन सी मूवी ने ज्यादा कमाई की है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जुड़वा 2 की। जी हाँ, जुड़वा 2 फिल्म से दोस्तों वरुण धवन बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक कामयाब यानी सक्सेसफुल एक्टर के तौर पर पहचान बनाई है और बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान सलमान खान जैसे सुपरस्टार से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो वरुण धवन। जी बिल्कुल, तो दोस्तों वरुण धवन की फिल्म जुड़वा 2 ने साल की ट्यूबलाइट और रईस फिल्म को पछाड़कर साल की यानी पूरे 2017 ईयर की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित तौर पर अपने आप को कर दिया है और जुड़वा 2 ने दोस्तों 138 करोड़ रुपीस की कलेक्शन कर ली। वहीं अगर हम बात करें जिसने सबसे ज्यादा कमाई की वो है दोस्तों गोलमाल अगेन। जी हाँ, इस साल दोस्तों दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी धमाकेदार फिल्म साबित हुई गोलमाल अगेन। जी हाँ, ये एक ऐसी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 के बाद साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। जी बिल्कुल, यानी अब आपको वैसे इसमें पता चल ही गया है कि सबसे नंबर 1 में बाहुबली 2 ने पूरे देश भर में कमाई की है। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस में सबसे ज्यादा कमाई की और दूसरे नंबर पर है दोस्तों ये गोलमाल अगेन। अजय देवगन की हॉरर कॉमेडी पर दोस्तों बेस्ट इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 30 करोड़ रुपीस की कलेक्शन करी और दूसरी सबसे बड़ी ओपनर का रिकॉर्ड अपने नाम भी किया। और दोस्तों रिलीज जैसे जब ये मूवी रिलीज हुई थी उसके तीसरे हफ्ते में ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10 दिनों में ही 167 करोड़ रुपीस की
कलेक्शन की। वहीं अगर हम नंबर वन सुपर डुपर हिट फिल्म की बात करें तो वो आता है बाहुबली 2। जी हाँ, साल की सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कोई है तो दोस्तों वो है बाहुबली 2। और ये SS राज मौली ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था हिंदी वर्जन में दोस्तों, और ये पूरे बॉक्स ऑफिस पर 511 यानी कि 511 करोड़ रुपए की इसने कमाई की। वैसे इस मूवी को देखें तो वाकई ही बहुत ज़्यादा एक हिस्टोरिकल मूवी है, बहुत मज़ा आता है। और ये बाहुबली फिल्म की सीक्वल फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई ने हैरान कर देने वाले आंकड़े दर्ज कराए दोस्तों। कलेक्शन में भी बात करें तो कलेक्शन में भी बाहुबली साबित हुई इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड। अब तक रिलीज हुई जितनी भी फिल्में हैं उसमें बॉलीवुड फिल्म नहीं तोड़ पाई दोस्तों, जो कि बाहुबली 2 ने तोड़ दिया। रिलीज के पहले ही दिन दोस्तों इस मूवी ने 40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और साथ ही साथ सबसे बड़ी ओपनर की रिकॉर्ड पर भी कामयाब हुई। तो ये आप सभी ने जाना इस साल के यानी कि 2017 के बॉलीवुड मूवीज यानी कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की, जो कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बाहुबली 2 आपको बताया। उसके बाद दोस्तों जो थोड़े कम बजट में आई वो थी गोलमाल अगेन, उसके बाद जुड़वा 2, उसके बाद रईस, उसके बाद टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसके बाद दोस्तों जो कम थोड़ी की कमाई वो थी काबिल, फिर थी ट्यूबलाइट, फिर थी जॉली LLB 2, बजरी रात की दुल्हनिया, और सबसे कम जिसने कमाई की वो थी बादशाह। तो दोस्तों आप सभी ने जान चुका है मूवी मसाला में 2017 के हाईएस्ट क्रॉसिंग बॉलीवुड मूवीज के बारे में। मुझे लग रहा है आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी भी प्राप्त हुई होगी कि किस तरह की मूवीज पूरे साल भर कैसी कैसी रही, कौन कौन सी मूवी जो है सबसे ज्यादा हिट रही। तो मुझे अब दीजिए इजाजत जी, टेक केयर, बाय बाय, और कुछ लेकर आऊंगी, बस आप जुड़े रहिए रेडियो हांची 1674 AM में। मुझे दीजिए इजाजत जी, टेक केयर एंड बाय बाय।